सपने सुहाने लड़कपन के सभी एपिसोड देखें बिल्कुल मुफ्त कभी भी कहीं भी केवल Z5 पर। सपने सुहाने लड़कपन के। कुंजन, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ, ऐसे हमें बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मौसी जी, और बिल्कुल सही समय पर वापस आ गई हूँ। लेकिन कुछ तुम कहाँ चली गई थी बेटा? बताया हम सब कितने परेशान थे यहाँ पर। मौसी जी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, पहले मेरी बहन की सगाई तो हो जाए। शैल, अब तो कम से कम सगाई की रस्म शुरू करें। जी जरूर, शुरू करें। जी जी बिल्कुल। ये देखिए, हीरे की अंगूठी। हमारा चैलेंज है कि ऐसी रिंग पूरे शहर में नहीं मिलेगी। अब आइडियर विहान लो पकड़ो। आइडियर विहान जाओ, शर्माओ मत। ऐसा तो नहीं कि वे लेटर और फोटो से मिली ना हो? ये क्या कर रहे हो तुम? This is enough. मस बंद करो, बहुत हुआ। No way, mom. It's not a joke. सच्चाई यही है। मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, और फिर गुंजन तो मुझे उसी दिन पसंद आ गई थी जब वो रचना बनकर मुझसे मिली, है ना गुंजन? हाय, मैं मिस्टर दयालगर की बेटी हूँ। क्यों किया तुमने ऐसे? क्या मिला तुम दोनों को ये सब करके? एनीवे, ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ। आप लोगों को तो याद होगा, मैं पहली बार आप लोगों से मिलने आपके घर आया था, तभी भी गुंजन रचना बनी फिर रही थी। मॉम, आपको याद है, आप कोई भी सवाल रचना से पूछती तो गुंजन जवाब देती। आ गई आपकी बहू। बहू, धनतेरस के दिन अपनी बहू के हाथों से आरती लेना बेस्ट होगा। रचना, रचना, तुम सबको आरती दे दो। हाँ, लेकिन कहीं तो फुल स्टॉप लगना था, तो एक दिन मुझे असलियत का पता चला कि असल में रचना कौन है और गुंजन कौन है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मैं गुंजन को पसंद करने लगा था। ठीक है, हम मानते हैं हमारी बेटियों से एक भूल हुई है, नादानी में कहो या बचपने में। लेकिन एक बात तो साफ है ना विहान बेटा, कि सबके पीछे इनका मकसद सिर्फ मस्ती और मजाक था और कुछ नहीं। लेकिन तुमने इसे बढ़ावा क्यों दिया? जब तुम्हारी शादी रचना से तय हुई है तो गुंजन से प्यार और सगाई कैसे मुमकिन है? माय डियर विहान, तो भोला है वो, गुंजन को ही रचना समझ बैठा। उसे लगा कि यही वो लड़की है जिसे मेरी मॉम ने मेरे लिए चूज किया है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे गुंजन के दिल में तुम्हारे लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं है। अरे, जो लड़की अपनी बहन के लिए, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, वो इस गंदगी का हिस्सा कभी नहीं बनेगी। काश, काश आप जैसी साफ सोच गुंजन की भी होती, जिसे आप अपनी बेटी मानती हैं। ये फैसला मेरे अकेले का नहीं है, हम दोनों का है, मेरा और गुंजन का। बोलो ना गुंजन, चुप मत रहो।
अपने सुहाने लड़कपन के सभी एपिसोड देखें बिल्कुल मुफ्त, कभी भी, कहीं भी, केवल Z5 पर।